بسم الله الرحمن الرحيم. अब दोस्तों ये दूसरे क्राइसिस, ये उसी लोगों को जो मैं बना रहा था आपको, आपने देखा मैंने उस पर काम करा था, तो ये ऑप्शन तो एक हमने बना दिया, ओके, या इसको यूँ कहना चाहिए एक थीम हमने क्रिएट कर दी। अब मैं सेव करूँगा और फाइल जाके सेवेस करूँगा, यदि इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा, लोगो प्रैक्टिकल, उसको मैं नाम कुछ भी रख दें, आप जो नाम रखना चाहें आपकी मर्जी है। अब मेरे पास जो बनाया था वो सेफ हो गया। अब जनाब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अननेसेसरी स्टफ़ को, और सिर्फ मैं इसको रखूँगा, और ऑफ कोर्स मैं इसको रखूँगा, इसको रखूँगा, इसको रखूँगा। कंट्रोल एल से लॉक हो जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल शिफ्ट ए से अननेसेसरी स्टफ़ डिलीट हो जाएंगे जो रखना था, फिर कंट्रोल शिफ्ट ए किया, फिर जो लॉक था उसको अनलॉक किया। अब मुझे आई लाइक दिस स्टाइल, आई मीन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, और मैं इसको ज़रा इस फ्लैश एनटीएलआईएस प्रीव्यू में देखूं, ये मैंने फ्लैट अकाउंट से लिए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सीइंग, मैं इस पर थोड़ा सा काम करूंगा। आई लाइक दिस स्टाइल बट द थिंग इज ये थोड़ा सा शांत या चुप सा, खामोश सा, इत्मीनान भरा लग रहा है, बट मुझे थोड़ा सा ये एक गुस्से वाला चाहिए, जस्ट लाइक दिस। तो मैं इसकी चोंच को मोड़ूंगा, ओके, मैं करूंगा ये कि मैं कंट्रोल के दबाऊंगा ताकि मुझे इसकी सारे पाथ सही समझ में आ जाएं, कंट्रोल शिफ्ट जे से या कंट्रोल शिफ्ट जी से मैं इसको अनग्रुप करूंगा, एंड देन अगेन कंट्रोल शिफ्ट जे से मैं अनग्रुप करूंगा, लेकिन मेक श्योर कि मैंने जो बनाया था उसको सेव करके मैं साइड पर रख दूँ, और सेव करूँ, और इसको भी सेव करूँ, इसको भी सेव करता हूँ, सेव, and I'm going to save as, and I'm going to make sure this is option 2. So I'll go to round theme 2. So this is theme 2. अब जो मैं यहाँ डालूँगा वो theme 2 होगा, okay? और round 1 होगा उसका। तो मुझे ये थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मैं 7 दबाऊँगा, 7 से मुराद ये कि ये मेरा knife tool है, ये आ जाएगा। मैंने एक नज या एक डॉट यहाँ रखा और दूसरा डॉट मैंने यहाँ रखा, मैंने इसको काटा यहाँ से, ओके, और उसके बाद मैं करूँगा ये कि मैं इसके ऊपर, क्योंकि अगर मैं यहाँ दबाऊँगा तो हो सकता है, देखेंगे इसने यहाँ पर मुझे डॉट ही दे दिया पूरा, मैं यहाँ रखूँगा और मैं यहाँ आके थोड़ा सा इसको, इसके सर को बढ़ाऊँगा इस तरह से, मुझे थोड़ा सा एजेस में चाहिए, और मैं इसका भी ख्याल रखूंगा, और मैं यहाँ पर स्नैप टू पॉइंट के जहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आए उसको आप स्नैप करें, झटका दें, वहाँ ले जाने की कोशिश करें, ये बहुत हेल्प करता है हमारी, ओके। द थिंग इज मैं यहाँ पर लेके आया इसको, मैं आप मेरी फ्री एंड कोर्स में मैंने इसको मुसलसल पूरा तक समझाया। अब देखें गुस्सा नज़र आ रहा है इसकी आंखों से और इसकी चोंच से, तो लेट्स मूव दिस वन, ओके, एंड डू इट लाइक दिस, बिकॉज ये इस वे पे है, इस ये यूँ है, ये यूँ है, आमने सामने है, तो मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना पड़ा। मैं यहाँ से भी रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, हमारा टूल है, यहाँ से मैं यूँ कर दूंगा, और छोटा सा मैं यहाँ पर छोटा सा एक ये गुस्से भरी जो इसकी कैफियत है उसको मैं लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा थोड़ा सा गुस्से में हो ये, नंबर वन। और इसकी चोंच जो है, आई लाइक द चोंच, तो ऑल आई विल डू इज आई विल जस्ट मेक इट श्योर कि ये इसका डुप्लीकेट हो मेरे पास, एंड ऑल आई डू इज आई विल जस्ट कट दिस लिटिल स्टफ फ्रॉम हेयर एंड पुट इट देयर, ओके, यहाँ आया और फिर मैं उसके बाद यहाँ गया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ किया और उसके बाद मैं इसको इस तरह करूँगा, एंड देन आई विल गो हेयर एंड आई विल कंट्रोल शिफ्ट जे, स्प्लिट ये इसने कर दिया, एंड देन आई विल गो टू हेयर एंड मेक श्योर दैट इट फिट्स इन इट, ये इस पर फिट्स हो जाए, फिट हो जाए, ओके। अब मैं यहाँ थोड़ा सा मार खा रहा हूँ, तो मैं करूँगा ये कि मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा, लेकिन साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी करूँगा,
ताकि थोड़ा सा इसका गुस्सा तो दिखाई दे. एंड आई विल गो अगेन एंड आई विल सी व्हाट इट्स लुक लाइक. ओके आई एम ओके. कंट्रोल शिफ्ट जे एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड दिस. ओके कंट्रोल शिफ्ट जे एंड देन आई विल गो टू कंट्रोल जे एंड देन आई विल सी फ्लैश प्रीव्यू. देखिए थोड़ा सा इसको गुस्सा तो आया है. ओके बट इट्स नॉट लुकिंग प्रोफेशनल. ये एक अब मैं कंट्रोल के दबा रहा हूँ. ओके कंट्रोल जेड क्योंकि जहां तक वो समझ में आ रहा है तो मैं इसको यहां करूंगा छोटा सा. अब मैं शिफ्ट शिफ्ट नहीं दबा रहा बल्कि मैं देखिए अब थोड़ा सा मुझे ये इसमें हेल्प मिल रही है कि मैं इसको थोड़ा सा यहां करूँ तो शायद मुझे ये गुस्से वाला नजर आए. और दिस लुक्स गुड इज इट. What do you say, guys? Okay, this looks good for me. So I can take this part as well. If I go to here, I can take this part here. But I didn't like the eyes again here. So what about this eyes? Copy, and I'll go here and I will undo this one, and I will make sure that I'm. मैं इसको खोना भी नहीं चाहता कि अगर मुझे वो अच्छा नहीं लगा जो अभी वो अच्छा नहीं लगा जो मैं भी बनाने जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरा बैकअप में रहे. तो अब मैंने ये पेस्ट किया यहाँ पे. ओके इस लुक दिस लुक्स लुक गुड यार. आई मीन कंट्रोल शिफ्ट जे कंट्रोल जे से ये ज्वाइंट हो गया. नाउ दिस लुक्स गुड है ना. गुस्से में भी लग रहा है थोड़ी सी. अगर मैं इसकी आंख बढ़ा दूं और इसको मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक कंटेनर आ जाएगा. इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं. दिस लुक्स गुड बट आई डिडंट लाइक दिस वन. ओके सो ऑल आई विल डू आई विल जस्ट यूज दिस वन एज वेल. नाउ द थिंग इज आई विल गो हेयर आई विल कीप दिस फॉर अ वाइल एंड आई विल मेक इट डुप्लीकेट फॉर दिस and then I'll go here and what I'm doing here. Okay so I'll remove this one and I will control K. okay this looks good. Okay for me. So all I will do is I will use a different font. Okay. And for that purpose I'll go to मैं जाऊँगा यहाँ पर इनके साइड पर. नाउ दिस इज ये स्मॉल लेटर्स में है. दिस फॉन्ट गुड. अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉन्ट अपने पास सेव भी किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई थिंक वी कैन यूज दैट वन. आई जस्ट फॉरगॉट इट वॉज एक्सो और समथिंग एक्सो था आई गेस. और मैं इसको कन्वर्ट टू केस टाइटल. Okay. And this is a one word. Okay. But I think हम लोग expo sorry my mistake. Control T EXO. There you go. थोड़ा सा ये फॉन्ट जो है वो हमें एक ट्रेंड के साथ लग रहा है कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है थोड़ा सा खूबसूरत स्टाइल का लग रहा है. बट आई वॉन्ट टू यूज दिस आइकॉन और दिस फ्लैग स्टफ हियर. सो आई डू दिस लाइक दिस. ओके एंड व्हाट अबाउट इफ आई रिमूव दिस वन एंड आई यूज समवेयर हियर. Okay, and if I go to, अगर मैं इनकी उस साइड पे जाता हूँ कि जहाँ पर इनके कुछ रेफरेंसेस हैं. सही है, ये एक रेफरेंस है, ये एक रेफरेंस. आई लाइक दिस रेफरेंस अलॉट. बट डेट से अगर हम थोड़ा सा हम कंट्री वाइज भी चलते हैं बट इट्स ओके.
हम एक काम करते हैं, हम इसको स्मॉल में रखते हैं, बट आई वांट अ लिट, या दिस वन लुक्स ओके. अगर मैं यहाँ जाता हूँ उनके रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस हमेशा जहन में रखिए, रेफरेंस को कभी आप भुलाए नहीं. तो अब मैं करूँगा कि इसको मैं ब्लैक ये कर दूँगा, और क्योंकि अमेरिका खास स्पेसिफिक इसको मैं कर देता हूँ जनाब रेड में. अभी डॉट कॉम का पंगा इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ फॉर अ वाइल, ओके. और मैं डॉट कॉम बहुत ही छोटा सा एक लगा दूंगा कहीं भी, बट आई वॉन्ट टू यूज दिस एज एज ब्लू एंड नाइन नन, सॉरी सॉरी सॉरी, नाइन शुड बी नन, एंड आई थिंक वी कैन यूज कंट्रोल के एंड आई कॉपी दिस हियर एंड कंट्रोल शिफ्ट जे एंड लाइक दिस. या आई लाइक दिस वन, आई मीन इट्स सिंपल एंड नीट एंड क्लीन, ओके. इफ यू सी दिस वन, ओके. बट द थिंग इज मुझे इसकी इस लाइन को जो कि इस वक्त नन है, कोई ना कोई कलर देना होगा, और इसको सॉलिड रखना होगा जो कि है ना. अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लैश में ले जाऊं, और लेकिन अब मुझे थोड़ी सी इसकी चोंच बढ़ानी होगी ताकि ये और गुस्से में लगे, पर ये तो हंस रहा है. आई थिंक इसको रुलाना है, तो आई मस्ट से कि मुझे यहाँ पर एक डॉट डालना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट जे के ज़रिए, और फिर यहाँ पे एक सॉरी या मुझे यहाँ पे एक थोड़ी सी गुस्सा भड़काना पड़ेगा, या थोड़ा सा गुस्सा वाला, दिस लुक्स नाइस. या ये जो कट आ रहा है ना, ये इसकी ब्यूटी है. ये जो एक एजेस आ रहा है, एक ये देखें, ये नाउ दिस लुक्स फाइन. आई मीन इफ आई गो हेयर एंड हेयर एंड हेयर एंड आई कंट्रोल जे, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, पर कंट्रोल कॉपी करने के बाद मैं अंडू कर रहा हूँ जैसे पहला था वैसे. ये देखें, ये पहला ऐसा था, राइट. अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने अभी अभी कॉपी किया है, तो दोनों में फ़र्क देख सकते हैं. ये ज़्यादा गुस्सा है, ये कम गुस्सा है. अगर आप देखें, सॉरी, ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जनाब, ओके. मैं कंट्रोल के कर रहा हूँ और मैं इसको फ्लैश इंटी स्लाइड कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा मिल गया है इससे, इसका मुंह, और बट इट्स ओके. आई थिंक दिस लुक्स गुड बेटर देन दिस वन. लेकिन इसकी आंखें अगर मैं वैसे करूं जैसे ये थी, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस आईज आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बट रादर देन दिस वन आई विल गो दिस वन. और जिससे गाइस कौन सा अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो, लेट्स से दिस वन यार. एंड इसकी जो गुस्सा है तो मुझे दिख नहीं रहा यार. नो, दिस लुक्स मोर पिंगुइन लाइक. इफ आई पुट दिस स्टफ हियर लाइक दिस वन, आई हेट आर्क लोगो, बट अगर कहीं फिट होता है तो आई डोंट माइंड, ओके. इसको मैंने ग्रुप कर दिया जनाब, और इसको मैंने यहाँ रख दिया, ओके. बट आई थिंक दिस लोगो इट्स ओके, बट
अगर मैं थोड़ा सा इसको डुप्लीकेट करूं और साथ साथ मैं इसके साथ ये हरकत करूं, लाइक दिस एजेस, ये जो एजेस हैं, आई लाइक दिस वन। ये हाँ, मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको ये करूं, व्हाट डू यू से गाइस, और मैं इसका ये खत्म ही कर दूं, मतलब ये लकीर इसकी खत्म कर दूं और डायरेक्ट ये ऐसे आ जाए। ओके, आई थिंक इट विल वर्क फॉर मी। तो फॉर नाउ ऑल आई डू, आई जस्ट गो हेयर एंड आई मेक इट। इसके लिए ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको ये कहूँगा कि आप दोनों मर्ज हो जाएं। मेरे पास एक टूल है जो मैं आपको, आप देखेंगे, आप जब मेरे कोर्स पे जाएंगे तो उसमें आपको हर हर चीज़ आपको मिलेगी। जैसे ये एक टूल हमारे पास है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये एक्स्ट्रा ऑपरेटर है, ऑपरेशंस है, मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, तो ये मर्ज हो गया। अब मैं इसको वही सुलूक करूँगा जो मैंने इसके साथ पहले किया था। अब देखें, ये फ़र्क ये है कि थोड़ा सा और ऐसा हो गया है, फॉर सम रीज़न आई डोंट लाइक इट, आई डोंट नो वाई। आई थिंक दिस लुक्स गुड, मिसिंग समथिंग बट इट्स ओके, दिस लुक्स गुड इज़न्ट इट। एनीवे, ये कॉपी कर दूंगा मैं इसको। लेकिन चूंकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप लोगो बनाएं, लोगो में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, यानी टेक्निकली ये लाइन तो लग रही है लेकिन टेक्निकली ये एक लाइन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे प्रिंटिंग में प्रॉब्लम रहती है। तो हमें सॉरी, ये और ये और सॉरी कंट्रोल शो, ये देखें, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं इसको ये करूँगा कि मैं इसको ये कह रहा हूँ, मेरे पास एक कमांड है, मैं यहाँ पर इसको कह रहा हूँ कि जी इसको लाइन में कन्वर्ट कर लें, एजिस के यूँ, और इसको विड्थ आप इसकी प्लीज 2 रखें। तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, बट इसने इसको छेड़ दिया है जनाब। चले, अभी भी ये ऐसा लग रहा है, आई थिंक देर इज समथिंग मिसिंग इन इट। अल्हम्दुलिल्लाह, ओकी डोकी। व्हाट इफ आई डू नाउ, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये गंध जो है ना, ये शुडन्ट बी लाइक दिस बट इट्स ओके, आई विल मैनेज इट। मैं तो करूँगा ये कि ओप्स, नाराज हो गए। तो मैं यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके रखूँगा, और मैं इसको कहूँगा कि भाई इसको तू डिलीट कर दे, तेरी मेहरबानी। ये इसने मुझे डिलीट करके दे दिया, और ये एक ऑप्शन आपके सामने हो गया। ये देखें लाइन वर्क में, ये एक सॉलिड है तो इट्स ओके, मुझे ये नहीं परेशान करेगा। लाइन इसकी नन है, कोई लाइन नहीं है। और एक मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि मुझे इसके एजेस वैसे करने थे, बट इट्स ओके, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ एंड मैं ऐसे कर सकता हूँ ताकि मुझे ये स्मूथ एजेस मिल जाए। ओके, एंड देयर यू गो, देयर यू गो। फॉर नाउ इट्स ओके टू शो द क्लाइंट कि भाई ऐसा लग रहा है, अब आप देखें कैसा आपको चाहिए। एंड दिस वन एज वेल, एंड आई एम श्योर कि मैं जब इसको करूँगा तो भी ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ी सी होशियारी करूँगा, पर नहीं कर सका सर होशियारी, बट इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील।
Again, I'll go here and I will type here and here. Okay. फ्री हैंड कोर्स आप ज़रूर मेरा सीखिए और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप कुछ ही अरसे में एक अच्छे लोगो डिज़ाइनर बन सकते हैं और बहुत सारे इसमें काम है, इंफोग्राफिक्स, वेबसाइट, ओह सॉरी वेबसाइट तो फोटोशॉप में आ जाते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। बट देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू हेयर। ओके कि तो मुझसे मिस्टेक क्या हो रही है कि अब इसमें ब्रोशर्स, मैगजीन, फ्लायर्स और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, ड्रेसिंग के जो लेडीज़ की ड्रेसिंग होती है उसके कढ़ाइयों के जो कढ़ाइयाँ होती हैं उसके आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके देखिए, हो सकता है क्लाइंट को ये पसंद आ जाए तो मैं इस पर और मेहनत करके इसको और अच्छा करने की कोशिश करूँ, बट फॉर नाउ इट्स ओके टू सी द क्लाइंट वो क्या रिस्पॉन्स करता है। ओके अब ये तो हो गया एक, अब इस डॉट कॉम को कहाँ लेके जाऊँ? तो उसके लिए हमारे पास एक, हम एक काम ये कर सकते हैं, या तो सेम फॉन्ट का हम रख लें जैसे ये है, इसको हम कंट्रोल टी जाएँ, या तो ये बोल्ड है तो हम उसको प्लेन कर सकते हैं और इसको हम डॉट कॉम कर सकते हैं सिंपल। इसमें कुछ हमें गेम नहीं खेलना, अमूमन हम ये सोच रहे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहे हों, सिंपल इसको रखें। सिमिलरली इसको हम यहाँ सिंपल रखें, इसको हम एक काम करते हैं ताकि लाइन में रहे, कंट्रोल शिफ्ट सी और डॉट कॉम। ओके और यहाँ आके हम सिंपल सा हम एक इसको हम बोल्ड नहीं करें, नॉर्मल कर दें। ओके तो ये एक एक लोगो हो गया, ये दो ऑप्शन हो गए। ओके अच्छा जी, अब हम क्लाइंट को ये दिखा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि अगर हम यहाँ आएँ और इसको हम कंट्रोल एक्स कर दें और इसको हम पेस्ट कर दें जो हमने कॉपी किया है, और थोड़ा सा वैसे ही लग रहा है लेकिन फ़र्क ये कि मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा और बल्कि मैं इसको ऐसा कर दूँगा और इसका जो ये आइकॉन है, सॉरी इसको देखिए मैं यहाँ ले आया, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले आया उसकी वजह ये कि सॉरी मैं यहाँ ले आऊँगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ है जो कि मैं इसको कवर करूँगा यहाँ से, और रेदर देन दिस वन आई विल गो हेयर, इनफैक्ट आई विल गो हेयर एंड या दिस लुक्स अमेरिकन एंड या दिस लुक्स गुड इजन इट, एंड इन द एंड आई विल राइट डॉट कॉम विच इज़ ओके फॉर मी। So these two logos, I think I can show to the client and see what he says. Okay. So I'll go again. I'll go here and go group copy and I'll go here. Smart object. I'll go here and I'll small bigger and I'll remove this one as well. Okay, and I'll go this one as well एंड आई विल मेक इट लार्जर। आई एम नॉट वरी अबाउट द बॉटम, मैं वरी नहीं हूँ कि बॉटम में क्या है, मैं उसको नीचे ऊपर कर सकता हूँ, सही है। ओके सो बेसिकली मैं इसको पूरा उठा के नीचे डाल देता हूँ, सही है।
अपने आई थिंक अब हम सब पे एक गेम खेलेंगे, देखें हमने क्या किया था। एक तो पूरा प्योर वाइट, तो आई थिंक मैं अगर थोड़ा सा और थोड़ा सा इस तरह चलूँ, लेट मी हैव अ फैग, फैग मीन्स सिगरेट। ओके सॉरी आई डिडंट नो दैट। एनीवे तो अब मैं एक लोगो आया, फिर अब मैं करूँगा ये कि कुछ ब्लू है तो रेड को पहले तो मैं एज इट इज़ उठा के यहाँ ले आऊँगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ आया और कंट्रोल जे से मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, और यहाँ आने के बाद मैंने इसको सिंपली डबल क्लिक किया और मैंने इसको कह दिया कि जी आप कलर ओवरले कर दें इसका वाइट। तो ये पूरा लोगो वाइट में ऐसा लगेगा, बट अगेन मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो मुझे पूरा क्लियर एक व्यू दिखा देगा। और उसके बाद मैं इसको सॉरी 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 मैं इसको यहाँ से उठा के शिफ्ट के साथ नीचे ले जाऊंगा, और मुझे और स्पेस चाहिए। सही है, और फिर मैं यहाँ आके इसको नीचे लेके जाऊंगा। ओके ये हो गया लोगो नंबर वन। अब मुझे करना ये है, ब्लू को वाइट करना है, रेड को रखना है। तो सिंपल मैं यहाँ जाऊंगा, मैं इस लोगो पे काम कर रहा हूँ, कोई भी लोगो हो सकता है, मिसाल इसी लोगो पे हम काम करते हैं। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल पेस्ट, ताकि मेरा बैकअप हमेशा रहे, सेव भी रखता रहूँगा। मैंने आपसे कहा कि जी मुझे ब्लू को वाइट करना है, मैं यहाँ आया सिंपल, जिसको मैं यहाँ आया और मैंने फिल को कर दिया, जनाब मुझे फिल वाइट में चाहिए। सिमिलरली मैं यहाँ आया, इस टूल से मैं इसको चेक कर सकता हूँ। मैंने इसको कहा कि जो मुझे वाइट चाहिए, सही है जनाब। इसको मैंने सॉरी मैं यहाँ आया और मैंने इसको कहा मुझे वाइट चाहिए, इसको भी मैंने कहा कि जी मुझे वाइट चाहिए। अब मैं इसको पूरे को करूँगा कॉपी और यहाँ आके मैं पेस्ट कर दूँगा एंड देखूँगा कि ये कैसा लग रहा है। मैं यहाँ आके जब मैं यहाँ क्लिक करूँ, ओ शिट यार, इट्स ओके, सम टाइम इट हैपन्स, बट चूंकि लोगों मेरे तमाम सेफ हैं फ्री हैंड में, आई एम नॉट वरी अबाउट दिस।
लेट मी ओपन फोटोशॉप अगेन। ये मैं एक वीडियो आपकी पार्ट वन की इसकी डाल रहा हूँ। एनी वे, आई गो टू फोटोशॉप सी सी 2015 सॉरी, एंड लेट सी कि उसने मेरा काम सेव किया है या नहीं किया, अगर किया है तो कितना किया है, आई डोंट नो। लेट इट ओपन, मैं वहीं से स्टार्ट लूँगा जहाँ से मैंने वो अचानक से क्लोज हो गया था। जी गाइस, वो यहाँ तक था, अब मैं दोबारा किया। अब ये देखें, ये एक इसमें दिखाना था, एक इसमें। अब फ़र्क ये है कि अब जो रेड है वो वाइट हो जाएगा और जो ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा। ओके, जो ब्लू है ब्लू रहेगा, सिर्फ रेड वाइट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, सही है। एंड आई गो हेयर एंड आई गो हेयर एंड ऑफकोर्स जो रेड है वो वाइट हो जाएगा। ओके, आई गॉट इट, जो रेड है वो वाइट हो जाएगा। सो देयर यू गो, कॉपी एंड आई गो हेयर एंड आई पेस्ट इट, मेक इट्स लार्जर, मोर लार्जर। ओके गाइस, अब इसमें गाइस मैं ब्लैक पे काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है जो मुझे शो करना है, तो मैं इसको सिर्फ एक यहाँ बड़ा सा एक रख के यहाँ शो कर दूंगा कि जनाब ये दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, इफ़ यू लाइक देन। तो ये हो गया जनाब ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 2 एंड आई गो हेयर सिमिलरली आई विल राइट ऑप्शन 5। ओके, एंड आई थिंक दिस इज इनफ। सो ये आप सीख गए। देखिए अभी मैंने एक रफ बनाया, मतलब मैं इससे बहुत अच्छा बना सकता हूँ शायद अगर मैं मेहनत करूँ और, बट क्योंकि क्लाइंट को जल्दी है और क्लाइंट फजी नहीं है, क्लाइंट को के नखरे नहीं है सॉर्ट ऑफ, ना उसका इतना बजट है, बट इज़ माई गुड क्लाइंट यू नो। तो मैंने कोशिश की एक रफ स्टाइल में एक अच्छा सा लोगो उसको दे दें क्योंकि उसको अर्जेंट में चाहिए। तो सम टाइम अगर आप अर्जेंसी है तो आप क्रिएटिव ज़्यादा काम नहीं कर सकते, बट ये एक थोड़ा सा आपको दिखाना था कि कैसे कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा लोगो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी आपके पास इससे अच्छे हज़ारों आइडियाज़ हों, लेकिन प्रोसेस वही है कि सबसे पहले आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रीड करेंगे, उसके बाद आप रेफरेंसेस जमा करेंगे। फॉर्चुनेटली इस क्लाइंट ने मुझे ऑलरेडी रेफरेंसेस दे दिए जिसके मैंने एक या दो यूज़ किए हैं। रेफरेंसेस के बाद फिर आप पेपर पे स्केच करते हैं, मुझे ज़रूरत ना पड़ी क्योंकि मैं अर्जेंट में था। पेपर पे स्केच करने के बाद फिर आप और रेफरेंसेस ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल आप ड्रिबल में जाएंगे उस तरह के, जिस तरह ये मुझे लोगों समझ में आया, बट आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी दिस। कॉपी करना कोई अच्छी बात नहीं है, हाँ कहीं से इंस्पायरेशन ले ली, जैसे ये पर इस तरह है तो आपने बजाय इस तरह के कहीं और बना दिए, किसी और तरीके से बना दिए, और नेवर एवर कॉपी एनी डिज़ाइन, वरना आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बी सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोई गलती हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे बताएं, कोई आवाज़ का प्रॉब्लम हो या अगर आपको लगता है मैं स्पीड से बताया तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।